नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक और नई वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ तो बड़ी खुशखबरी रहेगी ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को कलरक पद पर जो है कॉमन कैडर में ही पदोन्नत करेगी यानी कॉमन कैडर जो ग्रुप सी का है उसमें ही आपको प्रमोशन दिया जाएगा जो दो की भर्ती में लगे थे यानी दो में जिन्होंने ज्वाइन किया था अठारह हज़ार दो सौ अठारह कर्मचारियों की भर्ती की गई थी ग्रुप डी के माध्यम से तो क्या कुछ मामला इसकी तरफ रुख कर लेते हैं कैसे क्या होगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ग्रुप डी कर्मचारी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो बात कर लेते हैं सबसे पहले तो क्या प्रोसेस रहेगी तो कलरक पदों को कॉमन कैडर होगा जो कलरक पद हैं उनका भी कॉमन कैडर बनाया जाएगा ठीक है और जो कॉमन कैडर बनने के बाद जो कलरक वाले में एंट्री करेंगे वो ग्रुप डी के कर्मचारी होंगे साथ में जो सी होगा नया उसके माध्यम से जो सी जो कलरक आएंगे वो भी कॉमन कैडर में ही आएंगे सीधे ठीक है तो पचास फीसदी ग्रुप डी कर्मचारी होंगे प्रमोशन से पद भरे जाएंगे पहले बीस फीसदी था ये मैटर ठीक है अब इसको पचास फीसदी किया जाएगा और पचास फीसदी प्रमोशन से और पचास फीसदी जो है आपकी डायरेक्ट भर्तियों से कदरक पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी प्रमोशन किस तरीके से होगा इसके बारे में बात करें तो अठारह हज़ार दो सौ उम्मीदवारों का चयन किया गया था प्रदेश सरकार उन्हें ज्वाइन कराया था और उन्हें पाँच साल हो गए हैं वे लगातार पदोन्नति की मांग कर रहे हैं मगर जो भी सरकारी विभाग में नियुक्त हैं उनमें से एक भी कर्मचारी पदोन्नत नहीं हुआ है हालाँकि पाँच छः हज़ार जो है पदोन्नत तो हो गए वो पदोन्नत कैसे हो गए वो सीई के माध्यम से लग गए उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर सिंह

क्राइटेरिया मिनिमम रखा जाएगा जैसे सी ई क्वालिफाई के लिए था भाई ये क्वालिफाई कर गया कैंडिडेट तो ये सी जो है मैं बैठ सकता है ठीक है वो चार गुणा में आना ना आना वो तो बाकी बात थी अपनी लेकिन क्वालिफाई वाला क्राइटेरिया आपकी प्रमोशन में भी इसी तरीके से रखा जाएगा आपको सिर्फ वो क्वालिफाई कर दिया तो आप जो है प्रमोशन पा जाओगे तो ये मामला रहेगा हार्टोन की तरफ से ये परीक्षा ली जाएगी ठीक है और अभी पीछे मीटिंग भी हुई थी सीनियरिटी लिस्ट के लिए भी ठीक है तो उसके लिए भी प्रोसेस चल रही है तो ग्रुप डी वालों के लिए अच्छी खबर है आपकी पहली भर्ती थी ये कॉमन कैडर के माध्यम से और पहली भर्ती पर ही अब लड़कों के लिए भी कॉमन कैडर बन रहा है हालांकि साथ तो ये थी कि जो ग्रुप सी की पोस्टें हैं ठीक है ग्रुप सी की जो अन्य पोस्टें हैं वो भी कॉमन कैडर के दायरे में शामिल करते हुए प्रमोशन किया जाए ग्रुप डी वालों का ठीक है लेकिन ग्रुप सी की जो अन्य पोस्टें हैं उनके लिए सर्विस रूल बदलने पड़ेंगे सरकार को ठीक है इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे जरूर और डिटेल वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी अभी फ़िलहाल कलरक के पदों पर प्रमोशन होने वाला जल्द ही कॉमन कैडर इसका बनेगा और जितने भी फिर उसके बाद जितने भी कलरक आएंगे जो अभी तो लगे हैं वो तो डिपार्टमेंटों के माध्यम से हैं अपने डिपार्टमेंटों में लेकिन जो आगे के कलरक होंगे वो सारे कॉमन कैडर में होंगे तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ।